समस्या सबसे बड़ी ये है कि यहाँ की आप रोड देखें, इसे अपना कैमरा घुमाएं और ये रोड तालाब बन चुकी है, रोड नहीं रही, तालाब हो गया है। छत्तीस मार्ग व आवारा पशुओं के लिए भारतीय किसान यूनियन खानू के पदाधिकारी ने डीएम लालगंज को सौंपा ज्ञापन। रायबरेली कार्यालय जिले के सरयू से भोजपुर से सरयू का जर्जर मार्ग व आवारा पशुओं के संबंध में राष्ट्रवादी पार्टी आप इन मुद्दों पर उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती है। धर्मेंद्र दीक्षित राष्ट्रवादी पार्टी आप उत्तर प्रदेश सरकार को उपरोक्त बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ की इन समस्याओं से जनता का चूना दूर हो गया। सरकार की नाकामी है लेकिन इन आवारा पशुओं का निदान सरकार के पास नहीं है। आए दिन पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, पशु तारों में कट रहा है, जो गौशाला बनी हुई ओवरलोडिंग की वजह से अन्य पशुओं को नहीं लिया जा रहा है, उनका रखरखाव उचित नहीं है, दर्जनों जानवर नित्य मर रहे हैं, किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रही, किसान दर दर भटकने की मजबूर है। जहाँ पर स्वाद उपलब्ध है तो महंगाई किसानों की जान ले रही है। वहीं पर इन समस्याओं के निदान हेतु किसान यूनियन भानु ग्रुप के कर्मचारियों ने एसडीएम लालगंज को ज्ञापन सौंप कर न्याय की मांग की है। रिपोर्ट। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जिला अध्यक्ष रायबरेली भारतीय किसान यूनियन भानु जी, ये बताइए, आज यहाँ क्षेत्रवासियों को जो आप लोगों ने इकट्ठा मीटिंग किया है, जिसमें माननीय अपने एसडीएम साहब महोदय जी को बुलाया है, मान लिया ये समस्याएं हल नहीं हुई तो आप लोग इसके लिए क्या कर सकते हो, क्या कर पाओगे, कहाँ तक पहुँचोगे? राष्ट्रीय राष्ट्रपति को हमारा ज्ञापन जाएगा जिला उपाध्यक्ष रायबरेली के माध्यम से। हमारा जो नियम है उसके अनुसार में जो वे मात्र लिखे हुए हैं वो लिखे हैं, जैसे अन्ना जानवर है जी, रोड की समस्याएं हैं जी, जैसे किसानों की कर्जा माफी है, जैसे बिजली के बिल बढ़े हुए हैं वो माफ़ किया जाए, और अन्यथा जैसे कि 60 वर्ष के जो पूर्व हो चुके हैं व्यक्ति उन्हें 5000 रुपये मासिक दिया जाए, ये हमारा संरचक में लिखा हुआ ज्ञापन दिया जा रहा है जी। भानुगुप्त, भारतीय किसान यूनियन भानुगुप्त जी, मैं जिला संगठन मंत्री हूँ जी। मेरा यही कहना है कि अगर सरकार रास्ता और जानवरों को नहीं ठीक किया तो लिंगड़ी हो जाएगी जी, किसानों के लिए सरकार लिंगड़ी हो जाएगी। हाँ, सरकार लिंगड़ी हो जाएगी ठीक। अगर हमारे किसान शाम से नहीं जो लाठी डंडे लेकर के अपने खेतों में रहते हैं जी, अगर इसका कोई निदान नहीं हुआ तो ये क्या मतलब कि कितने गौशाला खोल देगी सरकार जो है। अच्छा, ये जो आवारा पशु और जो रास्ते के मुद्दे में आप लोग इकट्ठा हुए हैं जी, किसकी नाकामी है? ये सरकार की नाकामी है, सरकार की नाकामी है। हाँ, अगर वो हमारे विधायक जी अगर ऊपर दे टेंडर दे, उनको सब कुछ अवगत कराए तो सरकार ये सड़क हमारी दुरुस्त हो जाएगी। तो इस सरकार से आप संतुष्ट हैं? नहीं, सरकार से संतुष्ट तो नहीं है, नहीं इसीलिए तो ये मीटिंग रखी गई है। परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम इब्राहिम अली, भारतीय किसान यूनियन ग्राम अध्यक्ष जी। और हम सब लोग इसलिए एकत्रित हुए हैं कि यहाँ पर सतवाखेड़ा से भोजपुर रोड और सतवाखेड़ा से भगवान नगर रोड जी, इतनी परेशानियाँ दिक्कतों का सामना हो रहा है। क्या दिक्कतें हैं? ये जानवर आकर के रोड में आदमी जा रहे हैं और जाते हुए एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, मोटरसाइकिलें टूट जा रहे हैं, गाड़ियाँ टूट जा रहे हैं, आदमी विकलांग हो जा रहे हैं, परेशानियाँ हो रही हैं, और किसान लोग जो है रातों रात ताकते हुए हैं, और केवल सिर्फ खाना खाने के लिए जिस वक्त घर आते हैं पता चला कि वहाँ पूरे उनका जानवर जो है चर गए खेत। तो किसान यूनियन के लिए इतनी तकलीफें, इतनी मुसीबतें हैं कि उसके बाद रातों दिन ताकते हैं, केवल खाना खाने के लिए अगर आए हुए तो पता लगा वहाँ 50 जानवर जा करके चर करके चले गए हैं। अब बताइए वो किसान किस तरीके से अपने बच्चों को इसकी संरक्षा कौन करेगा? इसकी संरक्षा गवर्नमेंट को करना चाहिए ना, उसकी देखभाल करना चाहिए कि जो किसानों की तकलीफें हैं, परेशानियाँ हैं, मुसीबतें हैं, उनको हटाना चाहिए ना सरकार को। सर, अपना परिचय दीजिए।
भैया दीपक कुमार नाम है जी। मैंने अभी तक ये देखा कि जो भारतीय किसान यूनियन से हम लोगों ने जो मीटिंग आयोजित की हुई है जी, तो ये हमारा मूल मुद्दा यह है कि आवारा पशुओं से हमें समस्याओं से निजात दिलाई जाए। अगर किसी भी गौशाले में अगर समस्या आ रही है कि नहीं हमारे यहाँ ये इतनी लिमिटेशन है जी, तो इस लिमिटेशन को बढ़ाया जाए। और दूसरी समस्या हमारी ये है कि हमारे यहाँ रायबरेली में या उन्नाव में जो भी हमारी रोडें हैं, जो जर्जर रोडें हैं, इनको सरकार ध्यान नहीं दे रही या किन्हीं कारणों से नहीं ध्यान दे पा रही, उसमें जो है जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करवाई जाए। नहीं तो आज तो मैं भावुक रूप से जो है सारी चीज़ें मतलब आप लोगों के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय या राष्ट्रपति जी को कि अगर इस समस्या का अगर समाधान जल्द से जल्द नहीं किया गया तो हम सारे जो है सारे किसान यूनियन से संयुक्त मोर्चा के अंतर्गत सारे किसानों को लेकर मैं नीचे उसमें ज़मीन पर बैठ जाऊंगा। जब तक मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक मैं धरने पर बैठने के लिए आश्वस्त करता हूं, आगाह करता हूं, चेतावनी देता हूं इस चीज़ की कि आप लोग इसका जल्द से जल्द निदान करने की कोशिश करें। धन्यवाद। गाँव है सतवाखेड़ा जी, और यहाँ की समस्या विगत कई वर्षों से लगातार चली आ रही। समस्या सबसे बड़ी ये है कि यहाँ की आप रोड देखें, इसे अपना कैमरा घुमाएं, और ये रोड तालाब बन चुकी है, रोड नहीं रही, तालाब हो गया है। अब आए दिन यहाँ पर घटनाएं होती रहती हैं। अगर कोई किसी के घर में बीमार हो जाए और उसको हॉस्पिटल पहुँचाना पड़ जाए तो हॉस्पिटल समय पर नहीं पहुँच सकता। अच्छा, रोड खराब होने के कारण विद्यालय विद्यार्थी भी असमय से पहुँचते होंगे। घर से जब बच्चा निकलता है तो माँ बाप यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा सकुशल घर पहुँचा, स्कूल पहुँचा या नहीं, और जब तक वापिस घर नहीं आ जाता तो उनकी चिंताएँ उनको चिंताएँ लगी रहती हैं। आखिर प्रशासन कहाँ है और क्यों सोया हुआ है? आज आप लोग यहाँ इकट्ठित हुए, अगर मान लीजिए इसका कोई सलूशन नहीं निकला, समस्या हल नहीं, तो आप लोग क्या करेंगे? अगर मैं आपके माध्यम से इस सरकार को, भारत सरकार को, अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूँ, अगर इस समस्या को तुरंत निदान नहीं निकाला गया तो हम यहाँ पर उपस्थित जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, उनके साथ इस रोड को ब्लॉक कर देंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक इसका हल नहीं निकलेगा।